नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आया है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 7 HD डिवाइस, जिसको एक्चुअली रीसेट करना है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली जो डिवाइस है एक्चुअली पहले से भी ऑलरेडी रीसेट है, तो इसको डबल से रीसेट करना है कस्टमर का कहना है। इस पर एक्चुअली क्या है, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जैसे ही आप अबाउट फोन में जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा आपका डिवाइस का नेम और डिवाइस का इंटरनल जो मॉडल नेम रहता है वो यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद आपको कर देना है बैक। बैक करने के बाद आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगा सिस्टम्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रीसेट फोन। इस पर कर दीजिए। यहाँ पे आएगा इरेस ऑल डेटा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल अकाउंट जो भी है और म्यूजिक जो भी फोटो है, वो सारे आइटम इसमें डिलीट हो जाएंगे। यहाँ से आपको इरेस कर देना ऑल डेटा। जैसे आप इरेज करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिक्स लिखा हुआ आ जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, अप्रोक्सीमेट 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद है जो कि इसकी जो प्रोसेस है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और डिवाइस जो आपका है, मिनिमम 30% चार्ज होना चाहिए, तभी आप अपने डिवाइस को है जो कि रीसेट कर सकते हो। अगर 30% कम से कम रहेगा तो आपको पहले चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको रीसेट कर पाएंगे। अभी देखिए, अभी अंडर प्रोसेस है। यहाँ से एक्चुअली मैं रीसेट कर दिया है, अभी हो रहा है। और एक्चुअली रीसेट होने के बाद फिर इस पर देखते हैं, इस पर सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप में वही लैंग्वेज और रीजन वगैरह इस पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अभी ये रीसेट हो रहा, और इसमें आपका जो डेटा रहे पहले, आप इसको पूरा कंप्लीट सेव कर लीजिएगा, अन्यथा पूरा डेटा इरेज हो सकता है ना। फोटो नंबर, वीडियो कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर अभी इन्फिनिक्स लिखा हुआ आ रहा है और थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद फिर यहाँ पर डायरेक्ट लैंग्वेज और रीजन इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश, इंग्लिश भी कर सकते हैं और हिंदी भी। इसके बाद आया है सेलेक्ट कंट्री और रीजन, तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आ गए यहाँ इंसर्ट सिम कार्ड, तो इसको स्किप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कनेक्ट टू वाईफाई, इसको भी यहाँ से स्किप कर देंगे। इसके बाद आया ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, इसको भी यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद इस पर टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस पर गूगल सर्विसेज, इसको भी यहाँ से नेक्स्ट करते जाएंगे। गूगल से रिलेटेड है, जो आपकी जो जीमेल आईडी इसमें लॉगिन रहती है उससे रिलेटेड है। अगर आप इसमें पहले जीमेल आईडी हटा देते हैं, देन उसके बाद इसको रीसेट करना है, नहीं तो लॉक हो सकता है। यहाँ पे स्क्रीन लॉक पासवर्ड सेट नहीं करना है, बाद में कर सकते हैं। ट्रांसफ़र डेटा, इसको जिस स्टाइल में आप रखना चाहते हैं वहाँ से कर दीजिए। और इसके बाद इसको कंप्लीट सेटअप इस तरीके से हो गया है। XOS पे अपडेट रहता है ए इन्फिनिक्स का हैंडसेट। और इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट देखिए, इस तरीके से पूरा रीसेट हो गया, पूरा फ्रेश हो गया, पूरा डेटा वगैरह इसमें सब चला गया है। अभी पूरा न्यू जैसा आप परचेस करते हैं सेम वैसे ही डिवाइस हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।